दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आई एम हर्षल मोदीराज, और आज का वीडियो है फर्स्ट एवर आर्नोल्ड क्लासिक विनर के बारे में। सो हम सभी जानते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक का स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हर साल होता है कितना बड़ा इवेंट माना जाता है बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री में। मिस्टर ओलंपिया के बाद अगर दुनिया का सबसे कोई बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता होगा तो सेकेंड रैंक पे आर्नोल्ड क्लासिक ही आता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आज भी ड्रीम करते हैं सिर्फ कि मैं इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक का विनर बन जाऊँ, और बहुत तगड़ी फाइट होती है आर्नोल्ड क्लासिक के स्पोर्ट्स इवेंट में। अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोग मिस्टर ओलंपिया कम और आर्नोल्ड क्लासिक में ज़्यादा जाने लगे हैं, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक का जो एक्सपो निकलता है दो दिन पहले, जब कंपटीशन होने के दो दिन पहले एक्सपो स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, और हर कोई आर्नोल्ड क्लासिक का स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाके आर्नोल्ड क्लासिक के एक्सपो अटेंड करता है। और आर्नोल्ड क्लासिक कौन होगा इस साल, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक का एक अच्छी बात यह है कि विनर कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक को बहुत बार जीता भी है, और किसी किसी ने सिर्फ एक बार जीता है, किसी ने चार बार छः बार तक, डेक्स्टर जैक्सन जैसे हैं एथलीट्स जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक जीता है। सो कभी कुछ कह नहीं सकते, और जो आर्नोल्ड क्लासिक की जजिंग होती है तो काफ़ी लोग आर्नोल्ड क्लासिक की जजिंग से एग्री भी करते हैं, जैसे अब मिस्टर ओलंपिया में जो जजिंग होती है और फील ही हमेशा जीतते हैं, तो कुछ लोग हैं जो एग्री करते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो डिसएग्री करते हैं हर साल इस जजेस के डिसीजन से। लेकिन आज तक मुझे ऐसे कभी सुनने में नहीं आया कि आर्नोल्ड क्लासिक में ऐसा हुआ कि जजेस के साथ उनकी फैंस की ओपिनियन मैच नहीं हो रहे थे। जो भी आर्नोल्ड क्लासिक जीतता है हर साल फैंस उसको सपोर्ट करते हैं। सो क्या आपको पता है कि आर्नोल्ड क्लासिक कब स्टार्ट हुआ था और सबसे पहला विनर कौन था आर्नोल्ड क्लासिक का? वेल, अगर आप ये फोटोज़ देख के पहचान गए हैं कि मैं किस एथलीट के बारे में बात करने वाला हूँ और कौन सा ऐसा एथलीट था जिन्होंने सबसे पहली बार आर्नोल्ड क्लासिक जीता है, तो मैं समझ लूँगा कि आपको बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज है, आप ट्रू फैन हैं बॉडी बिल्डिंग के। लेकिन अगर आप नए हैं बॉडी बिल्डिंग को या आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आज मैं आपको इस एथलीट के बारे में बता देता हूँ। सो ये जो फोटोज़ आप देख रहे हैं इस वक्त, इस एथलीट का नाम है रिच गैस्पारी। ये एक अमेरिकन रिटायर्ड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। ये लेट 80s और 90s में और 70s में भी बहुत कम्पीट किया है इन्होंने, और सबसे अच्छी प्लेसिंग इनकी आई थी वो थी आर्नोल्ड क्लासिक 1989 में, और 1989 ही ऐसा साल था जब आर्नोल्ड क्लासिक सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने खुद होस्ट किया था वो शो, और खुद आर्नोल्ड क्लासिक के बाद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने ही रिच गैस्पारी के साथ इंटरव्यू भी लिया था जब वो जीत गए थे। सो सबसे पहला आर्नोल्ड क्लासिक हुआ था 1989 कोलंबस ओहायो में, और रिच गैस्पारी ही सबसे फर्स्ट बॉडी बिल्डर है जिन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक सबसे पहली बार जीता है। सो रिच गैस्पारी कोई मामूली बॉडी बिल्डर नहीं है, रिच गैस्पारी एक IFBB के हॉल ऑफ फेम में आने वाले बॉडी बिल्डर है। आपने गैस्पारी न्यूट्रिशन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, एक सप्लीमेंट कंपनी है गैस्पारी न्यूट्रिशन, और बहुत ही फेमस और बहुत ही एक अच्छा एम्पायर है इनका, और रिच गैस्पारी की ही वो कंपनी है, रिच गैस्पारी ही कंपनी चलाते हैं गैस्पारी न्यूट्रिशन के नाम से। सो रिच गैस्पारी एडिसन न्यू जर्सी से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही यंग एज में उन्होंने वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारे उनके नाम पे किताब है, जैसे कि 2011 का आयरन मैन का जो किताब निकला था, आयरन मैन का जो मसल एंड फिटनेस का जो मैगजीन निकला था उस पे भी उनको दिखाया गया था, और 23 साल तक वो उस कवर पे रहे थे, यानी कि 23 ईयर्स तक वो उस मैगजीन के कवर पे रिच गैस्पारी को ही दिखाया गया था। सो रिच गैस्पारी को हाल ही में 2013 में आर्नोल्ड क्लासिक में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, और ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर गैस्पारी सबसे ज़्यादा स्मार्ट बॉडी बिल्डर थे, यानी कि स्मार्ट ही इस इन अ सेंस कि उनको पता था कि बॉडी को कैसे डेवलप करना है, कैसे प्रोपोर्शंस होते हैं, सिमेट्री क्या होती है, कंडीशनिंग क्या होती है, और कैसे पोज किया जाता है, इन सब कैटेगरीज में माहिर थे रिच गैस्पारी। अभी रिच गैस्पारी फिलहाल कंपटीशन ट्रेनिंग देते हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन बहुत ही उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में बहुत बार कम्पीट किया है, इवन
टॉप फाइव के अंदर हमेशा आते रहे हैं, और 1985 में थर्ड आए थे मिस्टर ओलंपिया में, 1986 में सेकंड आए थे, 1987 में भी सेकंड आए थे, फिर 1988 में भी सेकंड आए थे, और 1989 में फोर्थ आए, 1990 में फिफ्थ आए, 1991 में टेंथ आए। सो आप देख सकते हैं कितना कंसिस्टेंट और कितना अच्छा इनका करियर रहा है मिस्टर ओलंपिया को लेके। लेकिन इनका सबसे नोटेबल विन था, वो था अर्नोल्ड क्लासिक 1989। सो ये पोजिंग आपने देखी अभी इस वक्त जो देख रहे हैं आप पोजिंग, आप देख सकते हैं कितने फ्लॉलेस और कितने एक वेल प्रोपोर्शन, जो गोल्डन एज एरा हम हमेशा बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, उसी के बारे में अगर देखें तो रिच गैस्पारी की फिजिक सबसे अच्छी फिट होती है अगर एस्थेटिक्स और एक गोल्डन एज की फिजिक की बात करें तो। सो ये था मेरा वीडियो रिच गैस्पारी के ऊपर, और सबसे पहला अर्नोल्ड क्लासिक विनर जिसने जीता था अर्नोल्ड क्लासिक वो थे रिच गैस्पारी। सो मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आती है और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। आई एम हर्षल मुदिराज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।